स्वागत है आप सबका आज क्लासेस में आज से जो है हम लोग बिहार सचिवालय के लिए रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें चलिए रीजनिंग का जो सबसे पहला जो पार्ट जो हम लोग सीखेंगे इससे आपको एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा जो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब आपके पास एक फिगर रहेगा जिसमें कि हो सकता है त्रिभुज रहे स्क्वायर रहे रेक्टेंगल रहे उसमें आपको पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल कितना है या नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितना है ऐसा रहेगा आपके पास और आपको एक या दो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा ये पचास क्वेश्चन जो रीजनिंग का होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा तो सबसे पहले जो हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में देखेंगे वो हम देखेंगे ट्रेंगल के बारे में काफ़ी आसान है आप लोग ध्यान दीजिए ट्रेंगल मतलब त्रिभुज तिर ट्रेंगल आप सबको मालूम है इस टाइप का एक ट्रेंगल होगा अगर यहाँ पे एक लाइन को हम ड्रॉ कर दें तो आप कह सकते हैं कि इसमें तो टोटल जो ट्रेंगल होगा वो थ्री होगा ओके जैसे सबसे बड़ा ट्रेंगल एक ये दूसरा दो और ये तीसरा तो ऐसा गिनने से आपको काम नहीं बनेगा तो इसके लिए आपको ये एक चीज़ समझना होगा कि जब भी कोई ट्रेंगल होगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल इन द फिगर तो इसके लिए हम करेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे वन यहाँ पे लिखेंगे टू और इस वन और प्लस टू को हम लोग काउंट कर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री जैसे एक और फिगर देखते हैं हम लोग जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रेंगल है और इसमें दो लाइन दे दिया गया है तो आगे इसमें पूछेगा कि टोटल ट्रेंगल कितना है तो हम करेंगे यहाँ पर वन टू और थ्री और सबको ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे तीन दो पाँच एक छः इसके अंदर जो जो है छः ट्रेंगल होगा अभी इस पर ही हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में कि हाउ टू तो फाइंड स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रैंगल टोटल नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल ये सब पे देखेंगे उसके बाद ऐसा फिगर लेंगे यहाँ पे आपके पास उसमें स्क्वायर भी हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है और ट्रैंगल भी हो सकता है तीनों मिला होगा और फिर उसमें से हमको निकालना पड़ेगा जो भी पूछा जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ मिश्रिनियस टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे ये क्लास आपका तीन क्लास में जो है ये काउंटिंग फिगर को कम्प्लीट कर दिया जाएगा चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पर जैसे मान लीजिए कि पहला ही क्वेश्चन है कि इसमें आपको निकालना है रेक्टेंगल कितना है सॉरी ट्रेंगल कितना है तो कैसे निकालेंगे अभी हम आपको बताएं कि आप क्या करें यहाँ पे लिखें वन यहाँ पे लिखें टू और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्री उसी प्रकार इसमें टोटल जो है त्रिभुज कितनी होगी वन टू थ्री अगर सबको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास सिक्स चलिए आप जो है ट्रेंगल बनाने के बाद किताब से ट्रेंगल का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर देखिए यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ रहा है आप एग्जाम में चार तीन सात दो नौ एक दस आराम से कह सकते हैं उसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये यह हो गया इसमें लिखेंगे वन टू थ्री अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका एक ट्रैंगल से बन रहा है ओके तो इसको भी हमको काउंट करना क्योंकि टोटल ट्रैंगल निकालना है आपको टोटल ट्रैंगल तो क्या करेंगे तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे वन टू थ्री तो इसको जब जोड़ेंगे तीन दो पाँच और ये छः हो जाएगा उसी प्रकार जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी मेरा छः हो जाएगा ये छः और ये छः और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आप कह देंगे कि इसमें टोटल जो है बारह ट्रेंगल है इसका एक और तरीका है आप देखिए इसमें देखिए पहले हम देखेंगे तीन दो पाँच और एक छः छः ट्रेंगल है और इसको गुनाह कर दीजिए इस ट्रेंगल में कितना होरिजेंटल लाइन है ओके इस ट्रेंगल में कितना होरिजेंटल लाइन है तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर दो होरिजेंटल लाइन है तो इस प्रकार से ये भी आपका बारह ही हो जाएगा ओके चलिए इसको देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम वन टू तो टोटल ट्रैंगल हो गया थ्री और इसे गुनाह कर देंगे हॉरिजेंटल लाइन से तो कितना लाइन है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे दो हो गया और एक ये हो गया तीन हो गया तो टोटल हो जाएगा इसमें तीन त्रिभुज की संख्या तीन हो जाएगी अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपको तीन दिख रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप वन और टू देंगे तो ये भी थ्री हो जाएगा उसी प्रकार यहाँ पे भी आप वन और टू देंगे तो ये भी थ्री हो जाएगा तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री जो होगा ये आपका नाइन त्रिभुज हो जाएगा तो ये ज़्यादा आसान है आप इस पर ध्यान दीजिएगा आपको कुछ नहीं करना है एक ट्रेंगल में कितना ये वन प्लस टू को ऐड करना है और टोटल जो है आपका ये जो है ये, ये जो थ्री है ये आपका है टोटल होरिजेंटल लाइन को काउंट करना है और उसी को मल्टीप्लाई करना है ओके ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो हम बोलेंगे वन टू थ्री और फोर तो चार तीन सात दो नौ एक दस हो गया और गुना कितना लाइन से करेंगे देखिए एक लाइन दो लाइन थ्री और फोर गुना क्या कर देंगे चार से तो ये आपका हो जाएगा चालीस टेंगल इसके अंदर है हमारे पास ओके तो ये आसान है आप इसको ऐसे कर सकते थे और नहीं तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और ये वन टू थ्री और फोर तो चार तीन सात नौ सात तीन सात दो नौ एक दस दस इसमें भी दस यहाँ फिर दस मिल जाएगा यहाँ पर टोटल आपका फोर्टी हो जाएगा ठीक है चलिए इसमें देखते हैं ध्यान देते हैं क्या होगा देखिए जब वन टू थ्री जब यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से हमको ट्रेंगल मिल जाएगा आपका छः ओके जब फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका तो ये हो जाएगा वन टू तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा थ्री फिर यहाँ पर लिखेंगे वन टू थ्री तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा तीन दो पाँच एक छः फिर यहाँ पर देंगे वन और यहाँ पर ये कनेक्ट किया हुआ है टू तो फिर से बोलेंगे यहाँ पर हम थ्री और फिर यहाँ पे देंगे वन और टू तो यहाँ पे देंगे थ्री तो आप देखिए तीन तीन छः छः बारह छः अट्ठारह उन्नीस बीस और इक्कीस इसके अंदर ट्रायंगल है यानी इसके अंदर टोटल इक्कीस त्रिभुज बनेंगे ओके चलिए अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आपको बताए थे कि जब भी ऐसा रहेगा फिगर तो आपको जितना भी लाइन होगा उसको बांटेंगे वन टू अगर मान लीजिए और एक लाइन हो गया तो थ्री ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे वन और यहाँ पर लिखेंगे टू तो आपको मालूम चल गया अगर इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते तो ये मेरा होता है सिर्फ तीन ट्राएंगल वन और प्लस टू और आपको दिख आप काउंट भी कर सकते हैं कि देखिए एक ट्रैंगल ये छोटा वाला एक हो गया ये दूसरा हो गया और एक बड़ा वाला तीसरा हो गया तो यहाँ से हमको तीन ट्राइंगल मिल गया और फिर ये लाइन आ जाने से ट्राइंगल की संख्या इसमें फिर बढ़ेगा अगर यहाँ पर लिखेंगे वन और यहाँ पर लिख देंगे टू तो ये फिर से आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा वन और टू थ्री हो जाएगा ओके और फिर आपका एक लाइन यहाँ पर देखिए बढ़ जाता है ये ये लाइन देने से एक ट्रैंगल ये भी बढ़ जाएगा मैं आप कौन देखते हैं ये वाला एक लाइन ये हो गया एक लाइन ये हो गया और ये एक ट्राएंगल मेरा ये बन जाएगा तो यहाँ से मेरा एक ट्रा एंगल और बन जाएगा ओके तो, तो टोटल ट्राएंगल इसमें कितना हो जाएगा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री और यहाँ पे आपको मालूम होगा एक ही एक ही ट्रा को जो है हम दो बार काउंट किए हैं तो उसको मैनेज करेंगे और प्लस यहाँ पे वन कर देंगे तो, तो, तो टोटल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे तीन तीन नौ एक दस और दस में दो करेंगे ये आठ हो जाएगा आपके पास ओके इस क्वेश्चन को हम आपको फिर से कराएंगे इसको प्रैक्टिस करिए चलिए अब हम करते हैं इसमें एक स्क्वायर के बारे में कॉन्सेप्ट देखते हैं स्क्वायर यानी आपको मालूम है कि उसका हर साइड जो होगा यानी साइड जो होगा वो इक्वल होगा हमेशा के लिए ऑल द साइड इक्वल देखिए ऐसा फिगर जब भी रहेगा तो आप उस उसमें जो टोटल स्क्वायर जो होगा टोटल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पाँच होगा ठीक है चलिए जैसे देखते हैं अब इस स्क्वायर को आप काउंट करिएगा तो आपको इसमें पाँच स्क्वायर तो दिखेगा देखिए एक ये स्क्वायर हो गया दो दि ये तीन और ये आपका चार और एक बड़ा वाला पाँच ठीक है लेकिन इसको बनाने का एक तरीका भी है उस तरीकों को तरीका को सीखना है क्योंकि आप हर बार एग्जाम इसको गिन नहीं पाइएगा एग्जाम में तो तरीका है आपके पास देखिए ये जो होता है ये पूरा इसको कहते हैं रो ये जो होता है आपका रो यहाँ पर दो रो है और इसे कहते हैं कॉलम ओके इसे कहते हैं आपको कॉलम कॉलम तो रो और कॉलम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए है ना ये आपका हो गया रो ये रो हो गया आपका और ये वाला आपका हो गया कॉलम चलिए बनाएंगे कैसे उसको देखते हैं देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है अभी स्क्वायर के बारे में बात बार करेंगे तो आप इसको तो रेक्टेंगल मत समझिएगा ओके चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट करेंगे वन और टू और फिर यहाँ से नीचे की ओर जब हम कॉलम देखेंगे तो ये आपका हो गया वन और ये हो गया टू तो देखिए रो का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो गया है दो तक और कॉलम भी मेरा जो है ये भी मेरा गया है दो तक ये दो और ये दो तो इस टू इंटू टू को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अब ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसमें से दोनों में से एक के घटा के हमको उसको लिखना है इस दो में से एक जाएगा तो हो जाएगा वन और फिर इंटू इस दो में से एक जाएगा तो बचेगा वन और प्लस फिर से हमको एक एक घटाना है आपको मालूम है कि एक में एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे समझाने के की जरूरत है आपको पास तो आपका ये हो गया चार ये हो गया वन इंटू वन एक यानी पाँच तो टोटल जो है इसमें आपका पाँच स्क्वायर होंगे तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं चलिए देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा फिगर है चलिए इसको स्क्वायर मानिएगा क्योंकि ये फिगर जो है एकदम स्केल पे नहीं लिया गया है तो इसमें हम क्या करेंगे अब समझिए सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर और फिर यहाँ पर लिखेंगे वन टू थ्री देखिए रो जो है मैक्सिमम कितना गया है फोर कॉलम कितना गया है थ्री अब प्लस अब इसमें से क्या करेंगे एक माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे थ्री इसमें से एक माइनस करेंगे इसको लिखेंगे टू प्लस फिर से इसमें से एक माइनस करेंगे तो लिखेंगे टू यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वन बाकी आपको नहीं लिखना है क्योंकि मालूम है कि एक से फिर को माइनस वन करेंगे जीरो आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है तो ये आपको हो जाएगा बारह ये छः ये दो तो बारह छः अठारह दो बीस इसमें हो गया आपके पास स्क्वायर ओके चलिए एक और देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन चलिए तो यहां पे काउंट करेंगे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर तो क्या लिखेंगे थ्री टू फोर प्लस थ्री में वन जाएगा तो टू और फोर में जाएगा तो ये आपका वन जाएगा तो थ्री प्लस वन इज टू टू प्लस वन में वन जाएगा तो लिखना जरूरत नहीं है जीरो इंटू वन हो जाएगा इसका कोई वैल्यू नहीं है मत लिखेंगे तो ये जाएगा आपका बारह ये जाएगा छः ये हो जाएगा आपका दो तो, तो बारह छः अठारह और दो बीस हो जाएगा हाँ यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है अभी हम यहाँ पर लिखे हैं आपको देखिए यहाँ पर देखिए कहता है कि हर वर्ग मतलब हर वर्ग जो होता है वो आयत तो होता है जबकि आयत जो है वो वर्ग नहीं होता है मतलब अगर वो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल तो हो सकता है ओके लेकिन लेकिन रेक्टेंगल जो है वो इसका आपका स्क्वायर नहीं हो सकता है ओके तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे मालूम कर लेंगे कि इसमें जो है आपका कितना रेक्टेंगल है और कितना इसमें आपका स्क्वायर है आने वाले टाइम में जो है हम इस पर फिर से प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इस आ, ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है इसमें आप सॉल्व करिए और इसको कमेंट करिएगा आंसर को इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझाएंगे आपको चलिए मिलते हैं बाद में धन्यवाद